क्या रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग मार्जिनल कहते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. प्लीज पुट द हेडिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. लास्ट क्लास में हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बट आज की क्लास में हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ओके, नाउ व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. यानी हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है, हम प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को फैक्टर्स की प्राइस हम कैसे डिटरमिन करेंगे. फैक्टर्स यहाँ पे बेसिकली जो हम ले रहे हैं दैट इज लेबर, ठीक है? इसमें बोला नहीं है, बट जो हमारे चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई ना कोई प्राइस होती है. बट बेसिकली अगर हम इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेबर ओवर हियर, ठीक है? तो लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, लेबर की प्राइस हम लोग, यानी उसको जो वेज देते हैं, वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. यानी जहां पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्राइस के बराबर हो जाएगी, वही जो है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा. यानी उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वही उसके प्राइस को डिटर्मिन करेगी, राइट? और जो फैक्टर की जो प्राइस होती है, दैट इज डिटरमिंड बाय द इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमिन करती है, वही वो फर्म्स को दे देती है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. सो राइट डाउन, पुट द हेडिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, पुट द हेडिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड अंडर दैट राइट डाउन. The theory was developed by David Ricardo, D-A-V-I-D, David Ricardo, R-I-C-A-R-D-O, David Ricardo, first of. The essence of this theory is that the price of any factor depends on its marginal productivity. The price of any factor depends on its marginal productivity. Okay, have you all written? The sense of the theory is that the price of any factor depends on its marginal productivity. Yani kisi bhi factor ki price kiske upar depend karegi? Uski marginal productivity ke upar depend karti hai. Theek, aage likhiye. The marginal productivity theory of distribution therefore relates to the remuneration, therefore relates to the remuneration of a factor of production, remuneration of a factor of production to the productivity or the contribution to the production. मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. नहीं.
माइक म्यूट है मैम, तो क्या आइडिया नहीं है? माइक म्यूट है मैम का। Yes. Yes. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But the network was closed. I was not able to know about it. कहाँ पे थे हम लोग? What was the last line that I said? Ma'am, to the productivity or contribution. Okay. Or the contribution which the factor makes to the business. Which the factor makes to the business. Which the factor makes to the business. So I was saying कि marginal productivity जो है वो labor या फिर किसी भी factor of production की worth को बताती है और वो जो worth होता है वही उस factor of production का जो है price determine करता है. यही marginal productivity theory. I hope it is clear now. ठीक है. Now write down this theory. This theory addresses itself, this theory addresses itself into two questions. This theory addresses itself into two questions. इस थ्योरी को दो तरीके से हम लोग देखेंगे. एक तो from the point of view of a particular firm, write down first, from the point of view of the particular firm, from the point of view of the particular firm. And second, from the point of view of the industry. ठीक है, हम लोग फर्म और इंडस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को डिटरमिन करती है और फर्म कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को डिटरमिन करती है. राइट, वी विल स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन analysis of marginal productivity theory from the point of view of industry. Okay, analysis of marginal productivity theory from the point of view of industry. I hope everyone has written. ओके, हाँ, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग देखेंगे. तो देखिए, हम लोग इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर में देख रहे हैं. वी आर लुकिंग दिस पर्टिकुलर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जैसा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन हम लोग प्रोडक्ट का कैसे करते थे, हाउ वी हैव डन इट, बताइए. अभी लास्ट क्लास में, लास्ट कुछ क्लास हम लोग ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन किया था, पढ़ा है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होता था? जहां पे मैम डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा. वेरी गुड, जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल होगा, वही हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता था अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे भी जो इक्वालिटी होगी फैक्टर के डिमांड की और फैक्टर के सप्लाई की, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका प्राइस डिटरमिनेशन का पॉइंट होगा. बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो प्लीज राइट डाउन.
under the conditions of perfect competition, under the conditions of perfect competition, comma, price of each factor of production, price of each factor of production price of each factor of production is determined by the equality of demand and supply. Equality of demand and supply. ठीक है, लेकिन ये थ्योरी एक अजम्पशन लेके भी चलती है. अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि जो सप्लाई, डिमांड की नहीं बात कर रहे, सप्लाई फैक्टर जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो कांस्टेंट रहता है. ये मान लिया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमने कर लिया है. ठीक है, वी अज्यूम, राइट डाउन फर्दर, वी अज्यूम दैट there exists full employment in the economy. So the supply of the factor is assumed to be constant. So, supply factor is assumed to be constant. अब supply constant हो गया और सिर्फ demand ही है, तो इसका मतलब ऐसी conditions में demand ही determine करती है marginal productivity को. Clear हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि एक industry जो है कई सारे firms का group होती है, right? An industry consists of a group of firms. और हर अलग अलग फर्म का अलग अलग डिमांड कर्व होता होगा, कि नहीं होता होगा? Yes, ma'am. और जहां तक हम लोग डिमांड कर्व की अगर बात करें, तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट की केस में जब प्राइस फॉल होती थी, डिमांड ज्यादा होती थी, कि नहीं होती थी, इसी तरह यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे अप्लाई करने वाले हैं. आई एम शेयरिंग यू दिस. Yes, I hope this diagram is visible to everyone. ठीक है, can you all see the diagram? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. अब इसमें जो है ये डायग्राम फिगर नंबर टू जो दिया हुआ है ना, you are not supposed to draw that. I'm just explaining that diagram, कि उस डायग्राम का मतलब क्या है. ठीक है, आपको जो मेन डायग्राम बनाना रहेगा, दैट इज फिगर नंबर थ्री. Which I'll tell you why you are preparing that diagram. So basically, हम लोग को demand curve पे देखिए focus करना है, ठीक है? We have to focus on the demand curve, right? Yes. Now see what happens. कि जो marginal revenue productivity होती है, this is like this. इस तरीके का curve होता है marginal revenue productivity, ठीक है? हमने दो यहाँ पे marginal revenue productivity बनाई, ठीक है? राइट नाउ, पहले हम लोग P1 वेज दे रहे थे लेबर को. वी वर गिविंग P1 वेज, यानी OP1 वेज हम लोग दे रहे थे. और हम लोग जब इतना वेज दे रहे थे, तो हम लोग डिमांड कितना कर रहे थे? ON लेबर हम लोग डिमांड कर रहे थे. कैन यू ऑल सी दिस ON लेबर एट OP1 वेज? यस सर. यस सर. यस, ठीक है. तो ये जो OP1 वेज आप देख रहे हैं, दिस OP1 वेज, इस वेज पे हम लोग ON1 लेबर जो है डिमांड कर रहे हैं, ठीक. जब हमने वेज घटा दिया, OP1 से OP कर दिया वेज को, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम वेज घटाएंगे, तो ज्यादा लेबर डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes or no? We will demand more of labors or not?
तो जब हम लोग ओपी वन वेज हमने जब डिटरमिन किया था, वो हमने कैसे डिटरमिन किया था? एमआरपी वन से डिटरमिन किया था, ठीक है? यानी लेबर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को देख के हम लोग ने अभी यही पढ़ा है ना कि जो लेबर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है वही प्राइस को डिटरमिन करती है. दैट इज हाउ द प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट? नाउ अब हम प्राइस को गिरा रहे हैं, वी आर लोअरिंग द प्राइस. दैट मींस वी आर डिमांडिंग मोर ऑफ लेबर. नाउ फॉर दिस वी हैव ड्रॉन दिस एमआरपी 2, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे एम पे देखिए हो रहा है, यानी हम ओ एन लेबर्स डिमांड कर रहे हैं when the price has fallen to OP. Is it clear? यानी जब price fall हो रही है, जब हम कम wages देंगे तो obviously बात है कि हम ज्यादा labor को demand करेंगे, जब हम ज्यादा wages देंगे तो हम कम labor को demand करेंगे. Is it or not? Yes ma'am. Yes ma'am. अब ये जो आपने ये जो points देखा, this M and M1, ये बताने के पीछे reason ये है कि ये पॉइंट जहाँ पे एमआरपी पे टच कर रहा है, यही हमारा जो है लेबर की क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमिन कर रहा है, राइट? और यानी ये हमें डिमांड के बारे में बता रहे कि हमें कितनी डिमांड करनी है. तो आप दोनों फर्म दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्लैंटिंग डिमांड कर्व मिलेगा. आई होप यू कैन सी दिस. व्हेन यू ज्वाइन द टू डॉट्स यू विल गेट अ स्लैंटिंग डिमांड कर्व, इजंट इट? तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के डिमांड कर्व की, यानी इंडस्ट्री का डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक? सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड कि वी आर रनिंग अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. लेकिन डिमांड ही एक ऐसा यहाँ पे फैक्टर, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री जैसा कि मैंने बोला इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, और हर अलग अलग फर्म का अलग अलग जो है डिमांड पैटर्न होता है, राइट? इज इट क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक पर्टिकुलर फर्म की भी अगर हम लोग बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि हमें डाउनवर्ड डिमांड कर्व दिखेगा जो कि हमें मिला, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग टू दिस कि हम लोग प्राइस को डिटरमिन कैसे करते हैं इंडस्ट्री, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए आप, नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ये सप्लाई लेबर की कांस्टेंट आप कर दीजिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जैसा कि अभी हम लोग ने डिराइव किया है, एक डिमांड कर्व बना दीजिए. जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दैट पॉइंट? दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वेयर विल डिटरमिन द वेज. That is the price of the labor, and this will show the marginal revenue productivity. Clear hai? Yes, ma'am. Thus, the price factor is determined by the demand for the factor. That is price factor. Factor price will be equal to the marginal revenue productivity. Ho gaya? Ye diagram aap log bana lijiye. So M कौन सा पॉइंट है? M is that point where the demand for and supply of labor are equal. जहाँ पे लेबर की जो डिमांड है और लेबर की जो सप्लाई है, that is equal, and वहीं पे वहीं से हम लोग उसका वेज डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, which is O W, and the supply of labor is held constant, that is L1. I hope you all have done, right? Yes, ma'am. तो ये जो DD1 curve आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं this is the marginal revenue productivity curve also, isn't it? This curve is the marginal revenue productivity curve as well. Yes or no? Yes, ma'am. Because marginal revenue productivity curve ही जो है वो determine करता है कि क्या price हमें देना है, right? So we can say that this DD1 is the marginal revenue productivity curve as well. So I'm not going in for a more deep explanation. I hope it is clear to everyone. And everyone has drawn the diagram as well, right?
नाउ अभी तक तो हम लोग ने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था. नाउ वी लुक एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म. टू पुट द हेडिंग एनालिसिस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म. Right now, what happens? Ki whatever and the perfect competition we have studied. Ki whatever price has been decided by the industry, the same has been forwarded to the firms, and the firms are the price taker, not the price maker. This is what we have studied under perfect competition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the same rule applies over here also. Ki factor ka jo price determination hai, jo industry karegi, wahi wo forward kar degi. Kisko forward kar degi? फर्म्स को फॉरवर्ड कर देगी एंड फर्म्स हैव टू एक्सेप्ट. सो अंडर द एनालिसिस ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म प्लीज राइट डाउन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमिंड बाय द इंडस्ट्री, is determined by the industry on the basis of forces of their composite demand and supply, on the basis of forces of their composite demand and supply. ठीक है. No single firm can influence the market price of a factor of production, and the firm is a price taker. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, विल एम्प्लॉय दैट नंबर ऑफ अ फैक्टर, at which its price becomes equal to its marginal revenue productivity, वही बात हो गई कि फर्म प्राइस उसको तो डिटरमिन करनी नहीं है, लेकिन वो डिमांड कितने फैक्टर्स को करेगी, उतने ही फैक्टर्स को करेगी जहां पे एमआरपी और प्राइस जो है बराबर हो जाता है, जहां पे उसका वेज और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जिस पॉइंट पे बराबर हो जाएगा, उतने ही फैक्टर्स को फर्म जो है डिमांड करेगी. क्योंकि फर्म को प्राइस तो डिटरमिन करना नहीं है, प्राइस तो उसको इंडस्ट्री से मिलेगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मैम. यस मैम. इसीलिए इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड. फैक्टर डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ डिमांड कर सकती है कि हमें इतने फैक्टर्स चाहिए, प्राइस का डिटरमिनेशन इसको नहीं करना होता है. ठीक है. नाउ आई होप यू कैन सी दिस टेबल ऑन द स्क्रीन, फैक्टर डिमांड बाय द फर्म. कैन यू ऑल सी दिस? यस मैम. यस. अब इसमें देखिए 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर गिवन. यूनिट 1 लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, लेबर 4 एंड लेबर 5. हर लेबर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी दी हुई है, दैट इज 20, 17, 14, 11 एंड 8. प्राइस दिया हुआ है 5. ठीक है. प्राइस हैज बीन हेल्ड कांस्टेंट. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस प्राइस विद एमपीपी, व्हाट डू वी गेट? द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. राइट? इज इट क्लियर? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारा निकल जाएगा एंड वेज रेट हैज बीन फिक्स्ड, दैट इज द ₹55. Now, as you can see over here,
कि जहां पे हमारा दिस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेज रेट, दैट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट विल डिमांड. यानी ये फोर फैक्टर्स को डिमांड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एम आर दिस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेज रेट. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. सभी? यस मैम. वेरी वेरी गुड. यू पीपल आर सो गुड कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जा रहा है. तो आई एम लीविंग दिस पार्ट. इतना इसको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडिंग. राइट नाउ व्हेन वी लुक एट द डायग्राम, नाउ सी दिस इज द वेज विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड, डब्ल्यू, इजंट इट? इट इज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द इंडस्ट्री टू द फर्म. राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, constant. Yes, as you will see over here on the table, also in the table, it's been held constant, right? This wage is constant. 55 पे constant है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हम इसको draw करेंगे on the basis of this table, this has been held constant. हमारी marginal revenue productivity is falling, which is the demand curve, right? यहाँ पे भी आप table में भी देख सकते हैं, this MRP is falling. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To the point where this MRP coincides with this W, that is the point of the point of equilibrium, and that is how we are going to determine how much labor is being required. So this is the four units of labor which we are, which the firm is demanding. ठीक है? Clear है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, if you want, you can draw this diagram that MRP is the marginal revenue productivity curve and WW is the wage rate prevailing in the market. And under perfect competition, the wage rate will remain constant. And MRP curve is sloping downward and it cuts this wage rate at the point E, which is the equilibrium wage rate, and the firm will demand only four labor. I hope you all have done this. Okay. Yes, ma'am. Okay. So next we are moving ahead, and that is the criticisms of this marginal productivity theory. ठीक है students, जब भी कभी questions बनता है ना, तो questions ऐसे नहीं आता है. The question says कि it never comes directly. It says कि criticize या critically examine the marginal productivity theory. Are you getting the point? So, आपको critically analyze करना है. तो critically analyze का मतलब पहले आप थ्योरी बताएंगे, थ्योरी में आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन यू विल कम ऑन टू द क्रिटिसिज्म पार्ट. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस मैम. यस मैम. ओके, सो राइट डाउन क्रिटिसिज्म्स. व्हाट आर द बेसिक क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस थ्योरी? Under criticisms, first point, write down unrealistic assumption. Unrealistic assumption. Unrealistic assumption क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जैसे perfect competition को ले लिया गया है, full employment condition को लिया गया है, तो ये सारे assumptions imaginary concepts हैं, इनका realistic world से कोई लेना देना नहीं है. This is why it is said that this theory is not very realistic. Okay? Next point. All factors are not homogeneous. क्या हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या आप लेबर की बात कर लीजिए, तो अगर आपने पांच लेबर एम्प्लॉय किया है, तो क्या हर लेबर का सेम साइज होगा, सेम वेट होगा, सेम हाइट होगा, सेम स्टैमिना होगा, सेम प्रोडक्टिविटी होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो मैम. नो मैम. नहीं पॉसिबल है ना?
तो जो भी फैक्टर्स हैं दैट इज नॉट होमोजीनियस राइट, देयर आर हेट्रोजीनियस फैक्टर्स. क्या सिर्फ लेबर से प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, यू नीड रॉ मटेरियल्स ऑल्सो, यू नीड मशीन्स ऑल्सो, यू नीड लैंड ऑल्सो. तो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइट. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, डिफिकल्ट टू मेजर एमटीपी. Difficult to measure MTP. Difficult to measure MTP. Marginal physical productivity को measure करना possible इतना नहीं माना गया है, क्योंकि जो number of labors हैं अगर वो बढ़ते हैं तो उनके साथ साथ जो है other factors जैसे कि आपके raw materials हो गए, tools हो गए, इनको भी तो बढ़ाना पड़ेगा. हम सिर्फ एक फैक्टर से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं ना, कि हमने सिर्फ लेबर से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकाल ली. वी नीड अदर फैक्टर्स आल्सो राइट. नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन साइडेड थ्योरी. ये वन साइडेड थ्योरी क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि लॉन्ग रन में हम लोग इसको लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हर एक फैक्टर वेरिएबल होता है. अगर हम लोग इसको अप्लाई भी करना है तो शॉर्ट रन में कर सकते हैं, वो भी तब जब हम लोग इसमें सप्लाई को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकाल सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, लेबर इज नॉट परफेक्टली मोबाइल. लेबर इज नॉट परफेक्टली मोबाइल. जो हमारे लेबर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है. इसमें बोला गया है कि द लेबर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, इट इज नॉट लाइक दैट. परफेक्टली मोबाइल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली मोबाइल? एंड दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन टू अनदर. यस, इजीली ट्रांसफरेबल, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि द जो लेबर्स हैं वो आर इजीली ट्रांसफरेबल राइट. नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड इग्नोर्ड. शॉर्ट पीरियड में जो है थ्योरी को इग्नोर किया गया है, इसलिए इसको जो है बोला गया है कि दिस थ्योरी इग्नोर्स द शॉर्ट पीरियड, बिकॉज एक्चुअल प्रॉब्लम जो है शॉर्ट पीरियड में होती है. और अभी ऊपर ही कहीं क्रिटिसिज्म में दिया था कि शॉर्ट पीरियड में ही इसको जो है देखा गया है, लॉन्ग पीरियड में बहुत ज्यादा सर्वाइवल नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया शॉर्ट पीरियड इग्नोर. तो शॉर्ट पीरियड इग्नोर का यहाँ पे मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड में ही एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं और शॉर्ट पीरियड को ही हमें ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना होता है. नेक्स्ट इज नो रिवॉर्ड डिटर्मिनेशन. नो रिवॉर्ड डिटर्मिनेशन इसलिए बोला गया है बिकॉज दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी एम्प्लॉयड एट गिवन प्राइसेस, बट व्हाट देयर रिवॉर्ड्स वुड बी एक्चुअली इट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड. सो आई होप दिस इज ओके विद बहुत ज्यादा है. वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल डील इन मच ऑफ द क्रिटिसिज्म, दीज आर इनफ. ओके, नेक्स्ट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अभी तक तो हम लोग ने जो पढ़ा था दैट वॉज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वील डील अहेड विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये और अच्छे से मतलब इस पे और रिसर्च हुआ और फिर जाके मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई, जहाँ पे इसने इस थ्योरी ने और भी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया रिगार्डिंग द फैक्टर प्राइसिंग देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ओके, तो पुट द हेडिंग मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. रिटन एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so this theory को हम लोग supply and demand theory of distribution भी बोलते हैं. So this theory is also known as supply and demand theory of distribution. Why? Because it जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, it only depends on the supply factors of
supply factors of factors of production and demand factors of production. ठीक है, ये basically factors की demand हम क्यों कर रहे हैं और factors की supply क्यों हो रही है इसको study करती है. और obviously बात है supply and demand का जहाँ intersection होगा वही point of equilibrium होगा और वहीं पे price या वेज का फिक्सेशन होता है इस पर्टिकुलर थ्योरी. लेकिन ये थ्योरी अलग इसलिए है क्योंकि सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स को भी स्टडी करती है. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में हम लोग ने ये नहीं कहीं पढ़ा कि सप्लाई क्यों हो रही है, फैक्टर्स की सप्लाई क्यों हो रही है, फैक्टर्स की डिमांड क्यों हो रही है. वी डिड नॉट स्टडी इन दी मॉडर्न दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, बट हियर इन दी मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट स्टडीज कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन द पॉइंट वेयर दैट इंटरसेक्ट्स एंड मीट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. इज इट क्लियर? सो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्राइस ऑफ फैक्टर is determined, the price of factor is determined by the intersection of the forces of demand and supply. Intersection of the forces of demand and supply. Intersection of the forces of demand and supply. Okay, now why do we demand for the factors of production? Factors of production की demand हम लोग क्यों करते हैं? तो जैसा कि पहले की क्लास में जो फर्स्ट क्लास मैंने इसकी आप लोग को पढ़ाया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो उसमें मैंने बोला था कि जो फैक्टर की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है. वो कौन से डिमांड होती है? फैक्टर की जो डिमांड है इट इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड बट इट इज अ डिराइव डिमांड. ठीक है, नाउ how are we going to determine the demand? So firm will make the demand for a factor. Firm factor ke demand kab tak karega? Jab tak uski marginal productivity is equal to its marginal revenue productivity. So this is very important, write down. A firm will make demand for a factor up to the point where its marginal price is equal to its marginal revenue productivity. जहां पे उसकी marginal price marginal revenue productivity के बराबर हो जाएगी वहीं पे वो demand को factor की demand एक form करेगी. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अ फर्म विल मेक डिमांड फॉर अ फैक्टर अप टू द पॉइंट वेयर इट्स मार्जिनल प्राइस इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. और सारे फर्म्स का अगर हम लोग लेटरल समेशन करेंगे डिमांड कर्व का तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा. ठीक है, एंड दिस डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट डिफरेंट फर्म्स फेस similar demand curve and the price remains constant. Now we'll study ki what are the factors, features of demand for factors of production. Write down the heading features of demand for factors of production. Factors of production ke jo hum demand karte hain uske kya kya features hain. Pehla feature likhiye, the demand for factors is a derived demand. I hope it is clear.
एंड सेकेंड द डिमांड फॉर फैक्टर्स इज अ जॉइंट डिमांड. डिमांड फॉर फैक्टर्स इज अ जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड है ना, अकेले फैक्टर एक लेबर जो है प्रोडक्शन कर सकता है अगर उसको कैपिटल ना दी जाए, लैंड ना दी जाए, मशीन्स ना दी जाए, रॉ मटेरियल्स ना दी जाए, क्या वो कर पाएगा प्रोडक्शन? नो मैम. दैट इज व्हाई इट इज सेड द डिमांड फॉर फैक्टर्स इज अ जॉइंट डिमांड. ठीक है, फिर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर के डिमांड को अफेक्ट करते हैं? राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ फैक्टर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर की डिमांड को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को? पहला फैक्टर लिखिए डिमांड फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स. डिमांड फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स. डिमांड फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स क्या मतलब हुआ इसका? One of you tell me. मैम जितनी गुड्स की डिमांड होगी उतना उसके प्रोडक्शन के लिए लेबर या और भी जो वेरिएबल फैक्टर्स की जरूरत होगी उसी हिसाब से हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करेंगे. पार्शियल करेक्ट अमृता. प्रोड्यूस्ड गुड बोला है. फोकस ऑन द वर्ड प्रोड्यूस्ड गुड. जिस टाइप का प्रोडक्शन हम करेंगे, जिस टाइप के गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग को क्या डिमांड करनी है फैक्टर की, देन वी विल डिसाइड. यस पुनीत. मैम द नंबर ऑफ गुड्स डिमांडेड इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स डिमांडेड. नहीं नहीं देखिए डिमांड फॉर प्रोड्यूस गुड्स का मतलब बोल यहाँ पे ये है किस टाइप के गुड को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. डिपेंड करता है ना कि हम लोग किस टाइप के गुड को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे बहुत ही कम लेबर की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा से ज्यादा होता नहीं है, लेबर इंटेंसिव गुड्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होता है कि नहीं होता है? यस मैम. तो जहाँ पे लेबर इंटेंसिव होगा वहाँ बहुत ज्यादा लेबर की डिमांड रहेगी, जहाँ कैपिटल इंटेंसिव होगा वहाँ पे कम लेबर की डिमांड रहेगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जहाँ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा वहाँ पे लेबर को ज्यादा वेजेस भी दिया जा सकता है भाई, वहाँ पे लेबर की ज्यादा जरूरत है. जहाँ कैपिटल इंटेंसिव है वहाँ पे कम लेबर की जरूरत रहेगी तो उनको कम वेजेस दिया जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो किस टाइप के गुड को हमें प्रोड्यूस करना है उसके ऊपर भी लेबर की या फैक्टर की डिमांड जो है डिपेंड होता है. ठीक. सेकेंड पॉइंट राइट डाउन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, अगर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड अच्छी हो रही है जो जिसके लिए लेबर को हायर किया गया, हम लोग आई एम यूजिंग द वर्ड लेबर ओवर हियर बिकॉज हम लोग ज्यादातर वेजेस और लेबर के कंटेक्स्ट में ही इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. फैक्टर की जगह आई एम यूजिंग द वर्ड लेबर. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो लेबर ने बनाया उसकी मार्केट में क्या डिमांड है. अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है कि लेबर की भी डिमांड बनी रहेगी. अगर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो लेबर की भी डिमांड नहीं रहेगी. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्राइसेस ऑफ द फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन प्राइसेस ऑफ द फैक्टर. अगर प्रोडक्ट की जैसे जो प्रोडक्ट बना अगर बहुत हाई बन रहा है, हाई प्राइस प्रोडक्ट है, तो एक चीज इसमें ये भी है कि फैक्टर्स क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं. भाई फैक्टर्स भी तो बोलते हैं ना कि नहीं आई विल चार्ज दिस एंड आई विल टेक दिस मनी एंड आई विल टेक सो मच अमाउंट ऑफ वेजेस. फैक्टर्स का भी तो अपना कुछ होता है ना कि भाई हम इतना प्राइस चार्ज करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे तो आई विल चार्ज दिस मच ऑफ प्राइस. राइट. तो अब फैक्टर्स अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो ऐसे केसेस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लेसर यूनिट ऑफ अ फैक्टर डिमांड करेंगे. लेकिन अगर फैक्टर्स लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दे आर रेडी टू वर्क एट लोअर प्राइसेस, तो देयर विल बी मोर ऑफ डिमांड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्राइस ऑफ द फैक्टर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर. ठीक है, अगर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो भाई इसकी डिमांड भी अच्छी होगी. अगर उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा नहीं होगी. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन द पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड. यस और नो स्टूडेंट्स? यस मैम. नाउ सी दिस डायग्राम. Quantity of labor demanded by the firm and quantity of labor demanded by the industry. Firm and industry. उल्टा बना दिया है. पहले इंडस्ट्री बनाना चाहिए था, फिर फर्म का दिखाना चाहिए था, है ना? तो इंडस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ठीक. और ये इसने जो है जो भी प्राइस है इसने फॉरवर्ड कर दी है फर्म को. जैसे ये पी प्राइस थी इसने फॉरवर्ड कर दी, P1 प्राइस भी फॉरवर्ड कर दी, ठीक. एंड दिस आल्सो. और फर्म की जो डिमांड होती है वो किससे डिटरमिन होती है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से. तो जिस पॉइंट पे ये प्राइस इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे उसी पॉइंट पे फिर उतने लेबर को डिमांड किया जाएगा. जैसे देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी पे जैसे लेट सपोज ये पी प्राइस जो है P2 प्राइस तो इसने इंडस्ट्री ने ट्रांसफर किया है और इसने यहाँ पे P लिखा है, उल्टा लिख दिया है, ठीक है. ये P2 प्राइस ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे P2 लिखना चाहिए था. दिस इज P1 एंड दिस इज P. दिस इज P, एक मिनट, दिस इज P, दिस इज P1 एंड दिस इज P2. इसने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा. तो ये जैसे यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इतना क्वांटिटी ऑफ लेबर विल बी डिमांडेड, दैट इज PM, ठीक है. दिस PM क्वांटिटी ऑफ लेबर विल बी डिमांडेड. ये क्लियर है? तो फर्म कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर को डिमांड करेगा ये डिपेंड करता है मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के. I hope it is clear to everyone. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, supply of factors of production. This will start up in the next class. कल इसको कराएंगे supply of factors of production, and then this chapter will be over and start with wages. ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं. Supply of factor of production में जो है factor की supply क्यों होती है? ठीक है, और कौन करता है? दिस इज द ओनली वन. कर लीजिए, दो मिनट लगेगा. लेट अस एंड दिस सो दैट फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अप विद द न्यू चैप्टर. सो राइट डाउन द सप्लाई ऑफ फैक्टर रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल. द सप्लाई ऑफ फैक्टर रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ फैक्टर रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल. Quantities of factors available at alternative prices. At alternative prices. The factor की supply कौन करता है? Who supply the factors? जो उनके owners होते हैं, right? जैसे land owners जो होते हैं वो transfer कर देते हैं अपने rights. फर्म्स को कि भाई अगर आपको यूज करना है लैंड मेरा यूज कर लीजिए और बदले में मुझे रेंट दे दीजिए. वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज जो है रेंडर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. जो कैपिटल ओनर्स होते हैं दे सप्लाई देयर कैपिटल अगेंस्ट इंटरेस्ट. और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद के रिवॉर्ड के लिए प्रॉफिट लेता है. तो दीज आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज ओनर्स सप्लाई दी supply their services. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So, अगर हम लोग अब इसके determination की बात करें, तो determination कैसे होगा? See, supply and demand of labor. ठीक है? ये wages दिए हुए हैं 100, 90, 80, 60, 70. These are the wages
जब हम 100 वेजेस दे रहे थे तो ऑब्वियसली बात है लेबर ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा वेजेस रहेगा तो ज्यादा लेबर वर्क करना चाहेंगे, इजंट इट? यस मैम. है कि नहीं है? लेकिन हम डिमांड कम करेंगे, डिमांड इसलिए कम करेंगे क्योंकि हम वेज ज्यादा दे रहे हैं. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस मैम. राइट, जब हम वेजेस कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ने लगेगी. देखिए यहाँ पे वेज कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है क्योंकि वेज कम हो रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है. बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इट इज इंक्रीजिंग. यस मैम. राइट, सो एज यू कैन सी दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड सप्लाई, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड डिमांड. यही मतलब हुआ ना? यस मैम. यस मैम. और ये उसका डायग्राम, दिस इज द डायग्राम. Just draw this diagram. I hope the diagram is clear. This is the demand curve, DD. This demand curve is intersecting this SS curve, supply curve of factor at the point E. This is the point of equilibrium and this is the equilibrium weight and this is the equilibrium quantity of labor that is being, or factor which is being demanded. Okay? Yes, ma'am. So this is it with this theory. These are the assumptions of the theory. That there exists perfect competition, the unit, various units of factors are homogeneous, each factor is perfectly divisible, the law of variable proportion operates. These are some of the assumptions of this particular theory, that is the modern theory of distribution. Ek cheez aur dhyan rakhiyega ki jab bhi koi theory puchi jati hai to us theory mein agar assumptions diya hua hai to un assumptions ko karna, un assumptions ko likhna bahut important hota hai. क्योंकि आपकी जो थ्योरी है, जो थ्योरी आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो अजम्पशंस पे ही बेस्ड है. अगर ये अजम्पशंस नहीं होंगे तो इस थ्योरी का फिर कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. टुमारो आई विल स्टार्ट अप विद दिस वेजेस. दिस इज अ न्यू चैप्टर. ठीक है, कल इसको स्टार्ट करेंगे. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. You all can leave the class now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.